तो राजामुंद्री स्टेशन मैंने आमी कवर करिनी तार कारण होच्छे तोमरा राजामुंद्री मैंने ढुके गेछिलो अलरेडी सेई कारणे आमी राजामुंद्री स्टेशने आमी नेमे कवर करार आगेई ट्रेनटा छेड़े बेरिये जाई सेई कारणे राजामुंद्री स्टेशने आमी कवर करिनी। तो राजामुंद्री स्टेशने सेम एखोनो ट्रेन डिले चलछे वन टाइमे एखोनो ट्रेन कोनो स्टेशने ढोकेनि। এই ব্রিজটার নাম হচ্ছে রাজামুন্দ্রি কব্বুর ব্রিজ। তো এই যদি এই রুটে মানে হাওড়া টু যশবন্তপুর, যশবন্তপুর টু হাওড়া মানে ব্যাঙ্গালোর রুটে যদি ট্রাভেল করো তাহলে এই ব্রিজটা পড়বে 100% কনফার্ম। আর ব্রিজটা যখন ক্রস করবে, তো আমি এই ব্রিজটা বলে না, যে কোনো ব্রিজ যখন ক্রস করবে তখন প্লিজ কেউ বাইরে ফোন বের করে বা বাইরে কোনো কিছু গ্যাজেট বের করে ইউজ করবে না, কারণ ফোন স্নিজিং হয়। ফোন স্নিজিং হলে কিন্তু ফোন মানে অনেক ছেলে মানে লোকাল ছেলেগুলো থাকে যারা, তারা ফোন স্নিজিং করে। তো ওইখানে যদি এই ফোনটা ইউজ করো তাহলে হচ্ছে যদি একটা ধাপ্পড় দিলে কিন্তু ফোনগুলো নিচে ফেলে দেয়, তখন ওরা ফোন নেয় না। কিন্তু এই কাহানি হলো, তো সেটা একটু ডিটেলে টিটি বলে দিল আমাদেরকে পুরোটা, যে মানে কী কেস, এইরকম হলে কি মানে ওইরকম যদি কোনো পরিস্থিতি হয় তাহলে কি করতে হবে, এসিতে ট্রাভেল করা যায় কি যায় না, তো সেটা বলে দিল। সেটা আমি ক্লিপটা দিয়ে দেবো, পুরো ক্লিপটা কি বললো না বললো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবো, কারণ লাইট ছিল না। तुम ऐसे नहीं बोलना कि मेरा टिकट वेटिंग है, छोड़ दो। मैं बिना टिकट के यशवंतपुर जाना है मेरे को इमरजेंसी। अब गाड़ी में नहीं उतरना, आएगा टिकट तो बोल देना, वो विजयवाड़ा से बना देगा। कितना है? 1000 रुपया में हो जाएगा, 1000 के अंदर हो जाएगा, चलेगा। लेकिन ऐसी में नहीं पेनल्टी बोले तो ज़्यादा लगेगा, वो ये विकेट के हिसाब से लगा दे, प्रॉब्लम वही है। रूल के हिसाब से हमारा ये 2700 का तुमको बड़ा सीन है कमरे पर, तुम्हें बिना टिकट के इसमें कैसे अलाउ करेंगे बता। कोई भी टिकट भी अलाउ करेगा नहीं कि रिसीट बना नहीं सकता। आपके साथ कोई नहीं है क्या? आपके साथ कोई नहीं है, अकेला हो? इसमें सीट नहीं है तो हम कैसे लिख के देंगे आपको? इधर आरईसी भी क्लियर नहीं है, आपको पेनल्टी बना के इधर घुसा देंगे तो आप कंप्लेन करेंगे तो हाल क्या होगा मेरा? आप कंप्लेन करेंगे तो ऐसे तो कोई भी आके एसी में बैठ जाएगा, हम रिसीट बना के दे देंगे तो रिजर्वेशन का फायदा क्या है? मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा। ये मजबूरी है, ये अलग है, लेकिन लिखने का रूल नहीं है ना। जब अवेलेबिलिटी है तब लिख सकते हैं। पूरा सिटी सब बुक है, बुक है। आरएसी क्लियर नहीं है गाड़ी कहाँ है? हम लोग का भी पूरा आरएसी है। तुम उससे आर्गुमेंट किया क्या? मैं बस पूछे टीटी कहाँ है, जो बोला मैं ही टीटी हूँ, वो मैंने बताया वही चीज। उसको हिंदी हो गया, मिसअंडरस्टैंड हो गया उसको। तेलुगु वाले हाँ हाँ, लोग उसको लैंग्वेज नहीं समझते। हाँ वही तो, वो ओडिशा वाले है, वो समझता है सब। ये वाले तो इधर बैठो, मैं देखता हूँ अगर कहीं पे अवेलेबल होगा तो मैं तुम्हें बोलूँगा। कौन बोल दिया गलत? सारा सजा दे दिया। कभी होता है, अभी मेरा पैसा मेरे को आ जाएगा, फ्री में कोई लेके जाएगा तो परेशान हो रहा है ना। पैसे का मतलब बोले नहीं दे कि आ जाएगा, बोले मैं कहीं पे एडजस्ट कर दूँगा। एडजस्ट कैसे कर देगा वो? ठीक, सीट नहीं है ना, सीट हो आरएसी आ जाएगा। हाँ वो तो है। टिकट का उसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे भी अगर सीट होता है तो एक सीट होता है तो आप करके दे सकते हैं, लेकिन सीट तो अवेलेबल नहीं है ना। हम डायरेक्ट सीट ना, आप फाइन लगा के कर सकते हो ना उस टाइम पे, अगर सीट होता है तो। इसमें डायरेक्ट फाइन लगा के इसमें तो गलत हो जाएगा ना सब। हाँ तुम 3 महीने पहले टिकट निकाल के तुमको नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आ जाएगा अवेलेबल करके उसको दे देंगे, कैसे होगा? हाँ सही बात है। आप यहाँ वेट करो। वेलकम टू विजयवाड़ा। तो हमारे ट्रेन ढुकेছে आज 6টা। আমাদের ট্রেন ঢুকেছে 6টা 58। এখানে টাইম ছিল 6টা 10-এ, কিন্তু আমাদের ট্রেন ডিলে আছে একদম 50 মিনিট, মানে 48 মিনিট মতো ডিলে আছে ট্রেন এখন পর্যন্ত। তো আগে 1.5 ঘন্টা ডিলে ছিল, অনেকটা কভার দিয়েছে এখন। आई थिंक रात्रे दिखे तो ट्रेन मैंने अनेकटा कवर दे, तो एन बला जाच्छे ना जो ऑन टाइमे ढुकबे ना अफ टाइमे ढुकबे, मैंने मैंने कतटा कवर देवे सेटा बोलते पारछि ना। तो विजयवाड़ा स्टेशन आमरा जोदि बोली एटा 1888 ख्रिस्टाब्द थेके ओपेन होयेछे, एखोनो वर्किंग कंडिशने आछे। आर एटाते ट्रैक आछे 24टा और 10टा प्लैटफर्म आछे। विजयवाड़ा स्टेशने आमादेर ट्रेनटा एखाने दाड़ाबे 10 मिनिट मतो। तो आमादेर ढुके गेछे 6टा 58-তে ढुकेছিল ट्रेनटा, तार माने एखान থেকে ছেড়ে বেরোবে কত বলবো 7টা 8-এ। तो 7টা 8-এ एखान ছেড়ে বেরোবে, কিন্তু বলা যাচ্ছে না যেহেতু ট্রেনটা এখনও অনেক ডিলে আছে, তো সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি 7টা 8-এ বেরোবে না তার আগে বেরিয়ে যাবে বলতে পারছি না। সো দেখি কটায় বেরোয়। এখানে ক্লিন করা হচ্ছে আর আই থিঙ্ক ট্রেনটা ছেড়ে দেবে এখন বলতে পারছি না। ছেড়ে টাইম তো হয়নি এখনও, মানে যতটা টাইম আমি বলেছিলাম যে 8, আমি যেহেতু লেট ঢুকেছে আর 10 মিনিট মতো এখানে অ্যারাইভিং টাইম আছে, মানে 10 মিনিট এখানে দাঁড়ানোর ইয়ে আছে, কিন্তু 10 মিনিট যেহেতু এখনও হয়নি। তো এখন 7টা 2 বাজছে, তো এখনও টাইম হয়নি। সো বলতে পারছি না এখন ছেড়ে বেরোবে কি। তবে ট্রেনটা জাস্ট मैं कि एक गड़े गलो से कारण मन हलो ट्रेन छेड़े देवे बाट एखो क्लिन चलते वाटर फिल करा हलो एखे এখন বাজে 7:14 7:14 আমাদের এখান থেকে মানে বিজয়ওয়াড়া থেকে ডিপার্চার হচ্ছে। তো ডিপার্চারটা আমি আগে দেখাই। क्या करो उसका निकालो फोटो। हाँ ले लिया, आपका भी ले लिया। व्याप 4 और व्याप 7 एक संगे एगुलो सब यही टाइपे जेगुलो है सेगुलो सबगुलोई व्याप 4 क्योंकि कोथाकार बुझते पारछि ना एगुलो सब व्याप 4 लोकोमोटिव और एटा होच्छे व्याप 7 व्हाइट कलर क्योंकि से एकटू डिफरेंट है सेम टू सेम देखते हैं। ছেড়ে বেরোই তখন আমি ঘুমিয়েছিলাম সেই জন্য মানে দেখাতে পারিনি, মানে জাস্ট ছেড়ে বেরোলো আমি এসে রেকর্ড করলাম। তো কেয়ারফ্রম হচ্ছে এই ট্রেনটার সেকেন্ড লাস্ট স্টেশন, এটার পরে একদম ডাইরেক্ট জাজমানপুর আর কিছুক্ষণ তারপরে আমাদের জার্নিটা শেষ হবে। মিরার এখানে চার্জিং সকেট আছে আর রিডিং লাইট আছে, এই যে রিডিং লাইট সবগুলোতে আছে যদিও রিডিং লাইট। আর এখানে কি আছে আর প্রতিটা সিটের কাছে চার্জিং সকেট রাখা আছে, সে চার্জ এনি টাইম করতে পারো। আর এটা আমি কারেক্ট টাইমে না এক ঘন্টা ডিলে পৌঁছেছে আমাদের ট্রেনটা, কিন্তু ওকে ঠিক আছে। তো এত দূরে ছিল আমার জার্নিটা। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ, বাই বাই, সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও।